श्रीकाल जी, थोड़ा स्वागत है साडे पंजाबी टेक चैनल ते। तुहानू दसदे आ जो अज ऐलान किया गया है अपने भगवंत मान द्वारा डी महला क्लीनिक दे विच जो वैकेंसीज दित्तियां ने उहदे बारे आपां इनफॉर्मेशन दिंदे आ। जो जो वैकेंसीज ने उहदे बारे इनफॉर्मेशन देवांगे की चाहीदा उहदे लई, मतलब रिक्वायरमेंट की है की ते किवें अप्लाई करना, पूरा फार्म आ। तुसीं वीडियो स्किप ना करियो, पूरी वीडियो देखियो तां तुहानू प्रोपर पता लगूगा वी किवें फार्म भर सकदे आ। आओ आप वीडियो देखदे। सब तो पहला तुसी किसी ब्राउज़र दे विच जाके nhm.punjab वैबसाइट ओपन कर लेनी है। गूगल दे विच सर्च कर सकते हो, मोबाइल ते भी खोल सकते हो ते लैपटॉप ते भी। उस तों बाद कैरियर ते क्लिक करन तों बाद तुसी देखना भी दूजे नंबर ते आ स्टाफ फॉर हैल्थ, मतलब हैल्थ क्लीनिक लई है ना, ये स्टाफ लई आ। उपर जिहड़े ऑफिसर लई आ उहदे लई MBBS ते हायर डिग्री चाहीदी आ। इहदे लई आपां नूं घट डिग्री चाहीदी, इहदे विच दस्सांगे तुहानूं किहड़ी डिग्री जां तुहानूं कितने तक की क्वालिफिकेशन चाहिए है। ठीक है, डिटेल इनफॉर्मेशन पर क्लिक करांगे। क्लिक करन तो बाद इहदे उत्ते आपां नूं सारी इनफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्वालिफिकेशन की लोड़ है। देखो फार्मासिस्ट चाहिए ने आपां नूं 109 ते क्लीनिक असिस्टेंट चाहिए ने 109, भी दोनों 109 ही आ। 11 तरीक नूं ये स्टार्ट हुई सी ते 20 तरीक की लास्ट आ। 24 तरीक नूं जिहड़ी फार्मासिस्ट आ उहनां दी एग्जामीनेशन आ, ते जिहड़ी क्लीनिक असिस्टेंट आ उन्हां दी 30 तरीक तक आ। ठीक है, सारी डिटेल दिती हुई है भी जी फार्मासिस्ट लई कि डिग्री चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी दे विच चाहिए इहदे विच ना, ते वो जिहड़ा आपां नूं गवर्नमेंट कहिंदे पंजाब किन्नी सर्टिफाई किया हुंदा वह भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो उम्र है जी ये 37 साल होनी चाहिए है। ठीक है, ये तो नीचे जिहड़ा दूजा क्लीनिक असिस्टेंट आ ये सिर्फ औरतों लई आ। तो इहदी जिहड़ी मतलब सैलरी की आ ये पर परसन 12 रुपये देणगे, ते 11 रुपये पर पेशेंट सॉरी, तो ये दूजे 11 रुपये पर पेशेंट मिनीम। ये मतलब यदि सैलरी कोई नहीं है, ये इदा ही मतलब पर पेशेंट के हिसाब न चलेगा। तो ये दूजे नंबर के जी प्लस टू चाहिए नॉन मैडिकल नाल, ते प्लस एक डिप्लोमा गा वो तुसी रीड कर सकते हो, डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हैल्थ। ठीक है, ये उत्ते अपन डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, ये सिर्फ औरतों लई है। ठीक है, ये भी उम्र वध तो वध 37 साल हो सकती है। ठीक है, आ एग्जामीनेशन मॉड्यूल आ, सैक्शन आ, किदा का एग्जाम आएगा, एग्जाम डेट के उत्ते सारी डिटेल लिखी हुई है, ये तुसी इत्थे ये सैक्शन पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी डिटेल तुहानूं इत्थे मिल सकती है। तो इदू बाद तुसी उत्थे ऑप्शन आ जी अपलाई, अपलाई पर क्लिक करना गा, तुसी क्लिक हेयर अपलाई है ना, ये क्लिक करोगे तो ये उत्ते फॉर्म भर सकते हो। पहले सब तो पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन करने लई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, क्लिक करके तो स्टैप दसे हुए हैं फिल एप्लीकेशन अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो लॉक एप्लीकेशन ते प्रिंट एप्लीकेशन ते उस तो बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड सिंपल आ जावा। ये उत्ते पहला आप सब तो पहला फॉर्म भरेंगे, फिर फोटो ते साइन अपलोड करांगे, वो अपलोड करन तो बाद फिर तुसी फीस भरन तो बाद प्रिंट कर लेना, ते इदू बाद तुसी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। हुण आपां चलो इदू बाद प्रोसीड करदे हां, प्रोसीड टू नैक्सट। इहदे क्लिक करन तो बाद आपां अगले टैब ते चले जावांगे। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है भी ये उत्ते जिहड़ी फोटो लाउणी है तुसी ना, ये नीचे वो अपना नाम जरूर होना चाहिए गा, तो एक इन्हें स्पेसीफिकेशन दी भी है भी किन्ने KB की फोटो होनी चाहिए, ये किन्ने ध्यान रखना। तो इदू बाद तुसी सिलेक्ट कर लियो फार्मासिस्ट, क्योंकि दूसरी पोस्ट सिर्फ मतलब फीमेल्स लई है ना। तो इदू बाद आपां तुहानूं दस दिंदे आ भी इह किवें भरनी हैगी, तो डिटेल तुहानूं सारी दस दिंदे आ। क्लीनिक असिस्टेंट भर सकते हैं जिहड़े अपने नॉर्म मतलब मुंडे जां कुड़ियां, ये दोनों भर सकते हैं। कैंडीडेट नेम फादर नेम भर देना, फिर कैटेगरी तुहाडी कि हैगी, ओपन कैटेगरी मतलब जनरल तो बिना सारी ओपन कैटेगरी आउंदे आ, OBC नहीं है मतलब ये, तो डेट ऑफ बर्थ तो परमानेंट एड्रैस सारा कुछ डेट एड्रैस तुसीं जिहड़ा पाउणा गा, जे इत्थे फॉर्मेट लिखा होया उवें पाउणा गा। तो एज मतलब किन्नी हो गई है, 1/1/2022 तो काउंट करनी है आपां ने, तो एड्रैस पूरा पा दिओ। एड्रैस पाउण तो बाद आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, तो मेल ID, तो जिहड़ी फोटो आ ये JPG च अपलोड करनी आ, उत्थे तुहानूं दस्सिया होया सी किन्ने KB तो घट करनी है, 30 KB आई थिंक 30 KB तो घट अपलोड करनी आ। ये पाउण तो बाद तुहानूं डिग्री जिहड़ी थोड़ी डिटेल आ उह सारी भर देणी आ, तुसीं किहड़ी क्लास च मतलब भी किहड़े इंस्टीट्यूट च पढ़े हो ते किहड़ी तुहाडे कोल डिग्री है, डिटेल भरन लई थल्ले कॉलम आया होया उहदे च भर सकदे। इतने आप सारी डिटेल भर देनी, नंबर भी भरने है ना, किन्ने नंबर आ, सारी डिटेल भरन तो बाद इतने टिक कर देनी है जी जी मतलब नैशनैलिटी की आ, इंडियन हो तुम है ना, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं आ, जा फिर तुम पंजाबी पढ़ी हुई है, कंप्यूटर पढ़िया हुआ, कंप्यूटर की नॉलेज आ, यह सारी डिटेल तुम्हें इतने
भर देनी है। एक बार फार्म चैक करने तो बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। जो सेव कर दोगे तो इस तो बाद इतने पहला इसकी फोटो अपलोड जरूर कर देनी है। देखो ना इतने एरर आया, ये करके आया भी फोटो नहीं अपलोड करी। तो फोटो अपलोड कर दोगे इस तो बाद जो फोटो अपलोड होगी थोड़ी प्रॉपर है ना तो सबमिट पर क्लिक कर देना। तो फिर आई डी तो पासवर्ड दोनों आ जाएंगे। देखो आई डी तो पासवर्ड, ये आई डी पासवर्ड ना तुम लॉगिन करना गा। लॉगिन करने तो बाद तो उत्थे फोटो अपलेट आटोमैटिकली आ जाएगी, सिग्नेचर अपलोड कर देना। देखो जिदा इतने ऑप्शन आ रही है रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, दोनों चीज़ा आप एड करन तो बाद इनू साइन लॉगिन कर लेना। सॉरी लॉगिन करन तो बाद पे फी की ऑप्शन आ रही है, ये क्लिक करना गा। पहला व्यू डाकूमेंट व्यू एप्लीकेशन कर लियो, एप्लीकेशन चेक कर लियो तो आपकी फो सिग्नेचर जरूर अपलोड कर लियो थले, है ना। इनू प्रोसीड करन तो बाद इतने तुम्हें फीस पे कर देनी है। यदि फीस जी टोटल हैगी 199 मतलब 199 रुपये की फीस है प्लस GST है। ये तुम UPI राही भर सकते हो, कार्ड राही भी भर सकते हो। UPI मतलब जेडे अपने पेटीएम KTM गूगल पे फोन पे किसी भी थ्रू, है ना, कार्ड राही भर सकते हो। ईजी वे आ गूगल पे राही उत्ते अपने को UPI एड्रैस गूगल दे पे दे जो आप उपर क्लिक करते हैं प्रोफाइल दे तो उपर ही आ जाता। पेमेंट डन होने तो बाद तो ना इतने व्यू करके प्रिंट एप्लीकेशन कर देनी है। लॉक करने तो बाद सबमिट कर देना गा, तो इस तो बाद तुहाडे कोले एडमिट कार्ड आ जाएगा। इदां तुसीं इह फार्म भर सकदे। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद जी। जे वीडियो वधिया लगी तो वीडियो नूं लाइक कर दिओ ते चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ ते इस वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ जो अगे पहुंच सके। धन्यवाद जी।